प्लान हमारा बच्चों की तैयारी और ये अम्ब्रेला के साथ घर से टाइडी अप करूंगी। ये देख सलाम प्यार दुआएं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये जी मेरे छोटे छोटे क्लिप्स हैं, ये मेरे एक दिन पहले के हैं। बीच पे जाने से एक दिन पहले शाम को छोटी छोटी चीज़ें लेने वाली थी, तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कुछ बच्चों के स्विमिंग कॉस्ट्यूम और जिसमें खाना गर्म लेके जाऊँ, वो हॉटपॉट कुछ फाइंड कर रही थी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कोई डिस्पोजिबल प्लेट्स ग्लास वगैरह, तो मैंने सोचा चले मैं ये क्लिप भी आप लोगों को दिखा दूँ, शेयर कर लूँ। तो बस जी बच्चों को लेके जाने का प्रोग्राम बना बीच पे, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आपको पता है बच्चों को हॉलीडेज़ हैं, हॉलीडेज़ में उनकी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो बस उन एक्टिविटीज़ में से हमने यही सोचा कि चलें एक दफ़ा बच्चों को बीच ले जाएँ, बाकी ये कि छोटा मोटा काम होता रहता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबका हामी मददगार हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज ही बस बीच पे जाने का प्रोग्राम बना है, तो बीच पे जाने से पहले मैंने कहा चलें जल्दी से आपको छोटा छोटा सा बता दूँ कि हमने जल्दी से तैयारी की है। तैयारी बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह रखे हैं, कुछ खाना रख लिया है बना के, बस टाइम नहीं था मेरे पास, खाना वीडियो नहीं शेयर कर सकी आप लोगों के साथ। तो बस ये है कि खाना माशाल्लाह मैंने रेडी करके सारा पैकिंग भी कर लिया है, बच्चे भी रेडी हैं। ये टाइम देखें, इस टाइम हमारा 6 बजने लगा है, और ये देखें ये बच्चों की तैयारी, और ये अम्ब्रेला भी साथ ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ पता नहीं है कि वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैंने कहा चले अम्ब्रेला साथ लेते हैं। ये बैग्स हैं, सब एवरीबॉडी रेडी हैं, बस मैं स्टफ हुआ है, ये इंशाल्लाह वापस आके फिर घर को टाइडी अप करूंगी। यहाँ पे टॉयलेट वगैरह जाने के लिए हमने स्टॉप किया है। ये देखिए कोई कॉफ़ी वगैरह तो नहीं पीनी आप लोगों ने? तो बस जी ऐसे ही हमारा सफ़र शुरू हुआ मंजिल की तरफ। आप सब भी मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। Mother the ways. Oh, it's cold today. तो बस जी ज़िंदगी के कामों में बहुत ज़्यादा हम मसरूफ़ रहते हैं, समटाइम हमें भी ब्रेक की ज़रूरत होती है, हमारी सोच को, हमारे दिल को, दिमाग को, हमारे वजूद को रिलैक्स करना चाहिए। तो वो सबसे प्यारा टाइम वही होता है जो बच्चों के साथ हम स्पेंड कर लें। बच्चे जी जितना ज़्यादा टाइम हम बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं हमें भी अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात बच्चे आपके साथ अपने दिल की, वो कहते हैं ना कि जितना टाइम हम बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे ना, बच्चे अपने दिल की फीलिंग्स हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चे अपने दिल को हमारे उस चीज़ पे भी शेयर करते हैं जिस चीज़ से उनको समटाइम डर लगता है कि हम मॉम डैड को बताएं कि ना, वो हर चीज़ को अपने
बस जी होर की दसा तुहानू, हर वेले घर दे काम बाहर दे काम अंदर बाहर, कभी ये पका लो वो पका लो, ये जिंदगी बिजी है। ये अल्लाह ताला ने जब तक ये जिंदगी सांसें लिखी है ना, बस यही काम चलते रहने ने। बस इन्हां कम्मां दे विच अपने बच्चियां दे हस्बैंड दा अपने घर वालियां नू खुशी दे नाल टाइम दो, वो जिहड़ा मौका मिलता है उस मौके को इंजॉय करो। जो चले जी हम पहले खाना खा लें यहाँ पर, उसके बाद फिर बच्चों को लेके थोड़ा बीच पे चलते हैं। चले जी इसको करें। इतनी दूर से सफर करके आए हैं और देखिए ये उधर बीच के पास बैठ के हैं मोहम्मद इब्राहिम, बीच पे बैठ के और घर के मीट वाले राइस खाना, कैसा फील हो रहा है? है ना, वेरी नाइस जी, आप बताएं। तो अब ये बीच में अब खाते हैं, बच्चों को मैं डाल के देती हूँ, उनको बहुत भूख लगी है। यस जी, बच्चे तो अपने अपने काम स्टार्ट हो गए हैं। मोहम्मद अवैस क्या कर रहे हो? सैंड से प्ले कर रहे हैं जी। मोहम्मद इब्राहिम आप? और मैं पता नहीं यहाँ तक कैसे आई हूँ, मुझे बहुत कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हौसला और हिम्मत मेरे हस्बैंड ने दी है कि तुम बड़ा दिल करके जाओ और जाके आगे थोड़ी सी वीडियो बना लो। ये देखें पानी, पानी की लहरें आ रही हैं ना, ये रियल में जितनी स्केरी है ना, आप बिलीव करें या देखने में भी, ये जितनी मेरी वीडियो में आपको पता नहीं लग रहा है पता कि नहीं, लेकिन ये पानी इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है कि ये बस्तियों की बस्तियां भा के ले जाती हैं, ये लोगों के घर बार खानदान सब कुछ बहा के साथ ले जाता है पानी। इतना ज़्यादा मैं स्केट पानी से होती हूँ ना कि पानी देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं फिर भी देखने में भी मैं बहुत ज़्यादा स्केट हो रही हूँ, और उसकी आवाज़ सुन के मैं और ज़्यादा वेरी हॉरिबल, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई है, लेकिन अगर इनको सही वे से इस्तेमाल किया जाए, देखा जाए, दूर रह के अपने आप की सेफ्टी सबसे पहले है, रह के अपने आप को आप लोग इंजॉय करो पानी को, लेकिन दूर रह के। तो प्लीज़ पास बिल्कुल ना इतना कोई भी जाए, मैं तो बहुत डरती हूँ, मुझे नहीं पता आप। पानी देख रहे हैं आप, मैं बता रही हूँ कि मुझे आपने हिम्मत दी है, मैं बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो रही हूँ। देखें ये देखें यहाँ तक अब आ गए। ओह माय गॉड, सी जान मैं वहां तक चली गई थी, आप यकीन करें वहां तक पानी नहीं था। आप देखें वो जो पानी की लहरें हैं वो यहाँ तक आ गई हैं, तो और वो बोट्स वगैरह देखिए वो क्यों खड़ी होती हैं वैसे, वो क्योंकि वो चल भी नहीं रही, एक ही जगह खड़ी है ना। जैसा कि मैंने अभी व्लॉग में बताया कि मुझे बहुत ही डर लगता है, तो मैं तुम्हें की दसा कि मैं बड़ा डर लग रहा सी, लेकिन मैं अपने दिल में ना बड़ा ज़्यादा मजबूत कर दी सी पानी देख के। पानी तो किन्नू नहीं डर लगता होगा, है ना, पानी तो है ही डरन वाली चीज़ जो, लेकिन बहरहाल ये बहुत प्यारा, मैं कहती हूँ कि मोस्टली हम लोग ब्लैक पूल गए हुए हैं, लेकिन इस वाली बीच पर आके बहुत ही अच्छा लगा।
और बच्चे बहुत फ्रेश हुए, हम सब बहुत ज़्यादा फ्रेश हुए, हैप्पी हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी जिसको अगर एक हम बीच पे 2 आवर्स गुजारे तो बाकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी कि हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया और हमें पता ही नहीं लगा कि हमें 6 आवर्स कैसे हमारे गुजर गए और बड़ा अच्छा टाइम। लहर कदमों से टकराई मुझे याद जी। बच्चे जो हैं वो अपने अपना प्ले करते रहे सैंड के साथ, तो बच्चों ने को मैंने कहा चलो तुझे जिन्हें तड़ा दिल कर गया तुझे थे लेट जो सैंड थे वो बड़ा ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। वो कह रहे थे ऐसा कोई मौका मिले कि हम जो सैंड के साथ ना अकेले हों और जिस तरह मर्जी प्ले करें, तो वो जी प्ले करते रहे। मैंने फिर थोड़ी व्लॉगिंग करनी थी आप लोगों को दिखाने के लिए, वीडियोज़ वगैरह बनानी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे साइड पर रह के अपनी वीडियो वगैरह वो कैप्चर करती रही ताकि मेरे व्यूवर्स ये सारे सीन जो मैं देख रही हूँ वो इसी तरह मेरी आंखों से देख सकें, मिस ना कर सकें। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया, आप लोग को ज़रूर जाइएगा। और पता कि अपने माइंड में तुझे खुद रिलैक्स करना है, अपने आप को आप लोगों ने खुद खुशी देनी है, अपने आप से आपने खुद प्यार करना है। हमें कोई स्पेशल उठ के ये ठंडा सा लगाया हुआ है ना, ये ऑरेंज कलर का, ये कहते हैं यहाँ तक बेसिकली आप लोग यहाँ से पीछे पीछे रहें, यहाँ से आगे ना आए। बट हालात देख लें हम लोगों के कि हम लोगों ने कहा चलो इससे हम आगे चलते हैं। और आता है पानी यहाँ तक, ये देखें सारा पानी आ गया था, तो लेकिन फिर स्लोली स्लोली जो है ना वो पीछे की तरफ चला जाता है। ये देखें जी हम वहाँ पर गए हुए थे, तो अब हम गाइस यहाँ पर आके बैठे हैं इस बेंच पे। और इब्राहिम बताएं जरा मुझे आपने कितना आज एंजॉय किया है। बस इस लवली वेदर शॉप भी हैं थी, हमने बर्गर पिज़्ज़ा कुछ भी खाना वो आप खा सकते हैं। गोरों की शॉप तो आपको पता है बेतहाशा है यहाँ पर, लेकिन अपना फूड भी है था, लाल फूड भी है था, इसलिए ड्रॉप करी। अब क्या लेने लगे हम, डोनट्स? यस प्लीज। So yummy. हाँ भाई ये देखिए टी रूम, ये स्मॉल सा आप ड्रिंकिंग टी कर लें, कोई Thank you.
तो चलें जी, अब हम जा रहे हैं वापस। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो अब हम वापस जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये मैं सारा व्लॉग जो है वो शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, इंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह जी, मैं एक और नई वीडियो के साथ, ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, ज़बरदस्त जगह के साथ, या कोई ज़बरदस्त खाना बनाया तो वो इंशाल्लाह वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पेरेंट्स का एहतराम कीजिएगा, और अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं उनकी बहुत सारी दुआएं लें। पेरेंट्स की दुआओं के साथ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बन जाती है इंसान की। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो उनको बहुत सारी दुआएं उनके लिए किया करें, अल्लाह पाक उनके अगले दर्जात बुलंद फरमाए। तो चलती हूँ, अब मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ फिर वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ये देखिए जी, ये अब खा रहे हैं आइसक्रीम। इनके हाल चेक कर लें, थक के क्या हाल हो गए हैं ना जी।